हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंपैरिजन हॉनर 9 लाइट और Xiaomi Mi A1 का। दोनों ही फोन जो है बजट फोन है, स्टाइलिश है और गुड लुकिंग है। अगर आप खरीदना चाहते हो 11,000 से 12,000 के रेंज में एक बहुत बढ़िया स्मार्टफोन, तो आप इन दोनों के बारे में जरूर सोचिएगा। और इन दोनों में से कौन सा फोन लेना है, इसमें अगर आप कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को जरूर देखेगा एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कौन सा फोन आपको खरीदना है और कौन सा नहीं। साथ ही में हम देखेंगे इन दोनों फोन के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, डिजाइन और थोड़ी डिटेल्स। मैं हूँ अमित और स्वागत है आप सबका मेरे और आपके चैनल में जिसका नाम है AK Advice। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों स्मार्टफोन्स का डिजाइन और डिस्प्ले। दोनों ही स्मार्टफोन्स का डिजाइन जो है बहुत ही बेहतरीन है, डिस्प्ले भी दोनों का बहुत अच्छा है। Xiaomi Mi A1 का अगर डिस्प्ले की बात करें तो उसका डिस्प्ले है 5.5 इंच और इसका डिजाइन जो है उसकी जो बॉडी है फुल मेटल बॉडी स्मार्टफोन है। हॉनर की बात करें तो हॉनर 9 लाइट है, मेटल और ग्लास दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। लेकिन दोस्तों, अगर इन दोनों के कंपेयर करने के बाद अगर इन दोनों को डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में रेटिंग देना हो तो मैं हॉनर को ज्यादा रेटिंग दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि Xiaomi फोन हॉनर से थोड़ा बड़ा होने के बाद में भी हॉनर का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा बड़ा है। जैसे कि मैंने बताया 5.65 इंच इसका डिस्प्ले है, क्योंकि उसका डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है और उसकी बॉडी कम कर दी गई है। और Xiaomi तभी भी फोन इससे साइज में थोड़ा बड़ा है। और भी बहुत कारण है इसको ज़्यादा रेटिंग देने का, जैसे कि बहुत ही कॉम्पैक्ट फोन है, लाइट वेट है और ग्रिप भी बहुत अच्छा देता है और लुक भी Xiaomi से थोड़ा इसका अच्छा है। अब हम कैमरा वाइज इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करें तो Xiaomi में आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल ड्यूअल प्राइमरी कैमरा। इसका जो रेयर कैमरा है, दो कैमरा जिसको दिए गए हैं पीछे वाले साइड को, जो कि है 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल। और हॉनर लाइट के बारे में अगर हम देखें तो आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, जो रेयर कैमरा है। इसको एक कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और एक है 2 मेगापिक्सल का। लेकिन अगर इन दोनों के पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो Xiaomi ने हॉनर को थोड़ा पीछे छोड़ दिया है पिक्चर क्वालिटी के मामले में। लेकिन फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करें इन दोनों की, तो हॉनर ने बहुत पीछे छोड़ दिया है Xiaomi को। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हॉनर लाइट को दिया गया है 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, मतलब हॉनर लाइट को आपको मिलेगा टोटल 4 कैमरा, पीछे के साइड को 2, आगे के साइड को 2। और फ्रंट वाली जो इसकी कैमरा क्वालिटी मिलेगी बहुत ही बेहतरीन मिलेगी हॉनर की। और इसको खास जो DSLR जैसा इफेक्ट होता है, पीछे का साइड ब्लर होता है, वो इफेक्ट आपको इसमें। हार्डवेयर की अगर बात की जाए तो आपको मिलेगा Xiaomi Mi A1 में Snapdragon 625 का चिपसेट और रैम मिलेगी 4GB की। Honor 9 Lite में आपको मिलेगा Kirin 659 का चिपसेट और 4GB की रैम। और बात की जाए इसके बैटरी बैकअप की तो Xiaomi Mi A1 में आपको मिलेगी 3080mAh की बैटरी बैकअप और Honor 9 Lite में आपको मिलेगी 3000mAh की बैटरी बैकअप। तो ओवरऑल लगभग इन दोनों का बैटरी बैकअप जो है एक जैसा ही मिलेगा। सॉफ्टवेयर के मामले में Honor 9 Lite में मिलता है Android Oreo ऑपरेटिंग सिस्टम और Xiaomi Mi A1 में मिलता है Android Nougat। और बात की जाए इन दोनों के इंटरनल स्टोरेज की तो Xiaomi Mi A1 और Honor 9 Lite दोनों में दिया गया है 64GB का इंटरनल स्टोरेज और आप इसको मेमोरी कार्ड के सपोर्ट से एक्सपांड भी कर सकते हैं। इन सारे फीचर्स को देखने के बाद आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना है। और मैं बताऊं, अगर आप स्टाइलिश लुक, बेहतरीन सेल्फी कैमरा और फुल विजन डिस्प्ले का फोन लेना चाहते हो तो Honor 9 Lite को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बढ़िया रियर कैमरा क्वालिटी चाहिए और स्टॉक एंड्रॉयड और कुछ एक्स्ट्रा सेंसेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप Xiaomi Mi A1 को चूज कर सकते हैं।
तो ये था Honor 9 Lite और Xiaomi Mi A1 का एक छोटा सा कंपैरिजन। अगर आपको इन स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और प्लीज़ साथ ही में लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।